जय जगन्नाथ। वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल इडली विद मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी को हम एक नया रूप से बनाएंगे और वेजिटेबल इडली भी थोड़ी नया रूप से बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत टेस्टी एंड हेल्दी है, नाश्ते के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। तो चलते हैं शुरू करें। पहले हम मूंगफली की चटनी बनाएंगे। उसके लिए जो सामान चाहिए वो है मूंगफली। यहाँ मैंने 1 कप लिया है उड़द दाल, 2 ग्रीन चिली, 1 इंच का अदरक काट कर मैंने रखा है, थोड़ी सी लहसुन यहाँ काट कर रखा है। फ्राइंग पैन को मैंने ऑलरेडी गैस पर रख चुकी हूँ। फ्राइंग पैन गर्म होने के बाद 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 लहसुन, 1 चम्मच उड़द दाल, 2 मिनट पकाने के बाद अदरक डालेंगे। ऑलरेडी मूंगफली फ्राई हो चुका है। अभी हम गैस को ऑफ करेंगे। ठंडा होने के लिए उसको रख देंगे। अभी हम एक मिक्सी के जार में मूंगफली को डालेंगे पीसने के लिए। उसमें मिलाएंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 2 ग्रीन चिल्ली, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 नमक, 1 ब्लैक नमक, 1/4 टेबल स्पून, 2 चम्मच पानी, 2-3 चम्मच पानी। उसके बाद हम पीसेंगे। अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे। एक सॉसपैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया। तीन चम्मच कुकिंग ऑयल गरम करेंगे। एक
चम्मच सरसों, दो लाल मिर्च, थोड़ी सी करी पत्ता, थोड़ी सी लाल मिर्च, आप चाहे तो डाल सकते, नहीं तो स्किप कर सकते। तड़का ऑलरेडी हो गया, तो अभी जो चटनी है उसमें हम डालेंगे। मूंगफली की चटनी ऑलरेडी हो गया, उसके बाद हम बनाएंगे पोटैटो इडली। वेजिटेबल इडली बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम सूजी, 1 कप दही, 1 मीडियम साइज का कच्चा आलू, गाजर, थोड़ी सी गाजर, कैप्सिकम, अदरक, 2 हरी मिर्च, कच्चा आलू को मैंने काट दिया है, उसे हम अभी ग्राइंडर में पीसेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसमें डालेंगे अदरक, 2 हरी मिर्च, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आलू का पेस्ट बन गया, इसे स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अभी हम एक बाउल में सूजी, 200 ग्राम सूजी डालेंगे, 1 कप दही, ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, गाजर, जो आलू का पेस्ट हमने बनाया था उसमें भी मिसाएंगे, मिलाएंगे। नमक स्वाद अनुसार, सभी को हम अच्छी तरह मिलाएंगे। पंद्रह मिनट के लिए हमें उसके रेस्ट देना है। उसका कंसिस्टेंसी ऐसे होना चाहिए। जरूरत पड़े तो थोड़ी सी पानी भी मिलाइए। अभी हम उसके ऊपर कवर करेंगे, 15 मिनट के लिए उसका रख देंगे। 15 मिनट हो गया, हमारा जो सूजी अच्छी तरह फूल गया। अभी हम उसमें तड़का लगाएंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून सरसों,
हाफ टेबल स्पून चना डाल, हाफ टेबल स्पून उड़द डाल, थोड़ी सी करी पत्ता, दो मिनट पकाने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। सूजी के ऊपर तड़का डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। अभी हम ऑयल जो इडली के फ्रेम में ऑयल ग्रीस करेंगे। अभी हम एक इनो इसमें डालेंगे एक पैकेट, एक मिनट के लिए अच्छी तरह मिलाएंगे। ज्यादा टाइम बाहर मत रखना, इमीडिएटली उसको फ्रेम में डालेंगे। अभी हम इडली को फ्रेम को गैस पर रख चुकी हूँ, उसमें पानी दे दिया बॉईल होने के लिए। अभी जो फ्रेम है उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। पानी ऑलरेडी बॉयल हो गया, तो उसके अंदर हम जो इडली का जो फ्रेम उसको धीरे से रखेंगे। इसका कवर बंद करेंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया, अब हम चेक करेंगे इडली व्हाइट है नहीं। देखिए कितना अच्छी तरह फूल गया। एक चाकू से हम चेक करेंगे, इसे चाकू साफ हो गया तो आपको पता चल जाएगा जो इडली बन गया हो गया। तो अभी हम गैस ऑफ करेंगे। इडली ऑलरेडी ठंडा हो गया, अब हमें डिमोल्ड करना है। इसे कितना स्पंजी हुआ है आप देख सकते हैं। इसे सभी को डिमोल्ड करेंगे। ये रेसिपी आपको घर में जरूर ट्राई करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में ये एक हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स है। टेस्ट भी इतना बहुत टेस्ट भी आता है क्योंकि जो हमने जो दिया है आलू उसमें वो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। ये देखिए कितना अंदर कितना स्पंजी है। तो आपने देखा है हाफ एन आवर के अंदर एक खूबसूरत एक हेल्दी रेसिपी बन गया। आप जरूर घर में उस रेसिपी को ट्राई करिए। आप हमेशा पुरोट दाल से जो इडली बनाते हैं, लेकिन सूजी के साथ जो आलू जो वेजिटेबल सब मिक्स करके जो इडली उनका उसका जो टेस्ट एक अलग तरह का है। तो आप जरूर ट्राई करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।